हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आलोक सिंह राजपूत में। कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो गई है अब। कर्मचारियों और पेंशन का जो महंगाई भत्ता है उसमें 5% की बड़ी बढ़ोतरी हुई है। पूरे वीडियो को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब के इस रेड बटन को प्रेस करके। साथ ही साथ हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप इस घंटे के निशान को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिए, तभी आपके पास हमारी वीडियोज़ की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोज़ को वॉच कर पाएंगे। इसलिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन को प्रेस करके इस घंटे के निशान को दबा दीजिए। चलिए आपको लेकर चलते हैं उस न्यूज़ पर। आप देख सकते हैं केंद्र की मोदी सरकार की तरह ही प्रदेश की कमलनाथ सरकार भी अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव को आज रविवार को कमलनाथ कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। यह बैठक सीएम हाउस में बुलाई गई थी। कैबिनेट बैठक से पहले सीएम कमलनाथ ने कानूनविदों को विचार विमर्श के लिए बुलाया था। इस बैठक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह भी मौजूद थे। इस संबंध में पीसी शर्मा ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों का 5% डीए जुलाई 2019 से बढ़ाया गया है और 1 अप्रैल 2020 से उन्हें मिलेगा। 2 दिन पहले ही केंद्र ने बढ़ाया था डीए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को संसद की एनेक्से में हुई कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते एनडीए में 4% को मंजूरी दी गई थी। वहीं कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया था कि ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों के जो महंगाई भत्ता उसमें 4% की बढ़ोतरी की गई। वहीं मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जो है 5% की बढ़ोतरी की गई, जिसमें जुलाई 2019 से बढ़ाया गया और उन्हें 1 अप्रैल 2020 से प्रोवाइड कराया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था। अच्छा लगा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा सभी दोस्तों के साथ में। ऐसी न्यूज़ अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।